वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों ने इस तरह के से साजिश की है, ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन की कोशिश है, अशांति फैलाने की कोशिश है, गलत चीज और पुरानी चीज जो 70 दिन पुरानी थी जिसके बारे में हम लोगों ने आपस में सेटल कर दिया, 80 मरीज एकदम से आए, पुलिस फोर्स लेके आई और वहां पे रहे, तो हम लोगों को 2 दिन तो जैसे वो बहुत डरे थे, हम बहुत डरे थे। ड्यूटी हम करते नहीं, हमारे स्टाफ करता है, हमारे डॉक्टर जूनियर डॉक्टर वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन उनके 80 के सामने हमारे 5, 6, 8 लोग एक बार में ड्यूटी पे थे और वो लगातार, वो लोग भी परेशान थे, टेंशन में थे कि इतने लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, इतने अगर 80 मरीज इकट्ठे आ जाए, वो भी नॉर्मल होते हैं, कोरोना के वजह से आए थे, कोरोना सस्पेक्ट, तो वो दोनों तरफ से वो लोग घबराए थे कि हमें पता नहीं यहाँ पर जेल में ले आए कब छोड़ेंगे, खाना पीना ये सब रहना आराम से देंगे कि नहीं, कब हमें छोड़ेंगे और कब तक हमें ये इलाज क्या चीज का करेंगे, क्योंकि उनको कोई बीमारी नहीं थी और वो उनको कोरोना नहीं समझ में आया, कई लोगों को नहीं समझ में आया, तो हम लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा हम लोग भी टेंशन में रहे, बहुत परेशान रहे और थोड़ा मिसबिहेवियर उनके तरफ से हुआ तो वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे और उनके कोई स्कैनिंग नहीं, सामान वान अंदर लेके गए, ऊपर तक गए, 3 मंजिल की बिल्डिंग में अकेले जहाँ पे ग्रिल डोर्स बंद हो गया, डॉक्टर सब हेल्थ केयर वर्कर अंदर थे, तो दोनों तरफ से इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और इतना ज़्यादा टेंशन था शुरू में कोरोना का, तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या, तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है, ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल बोल के और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ करने की कोशिश की है, इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे कोसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है, यही मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा, और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के इनको दवाई इनको हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को, ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ, एक प्रेशर में काम किया, 2 दिन में सारा सेटल हो गया, मैंने मीडिया में भी दिया कि इन्होंने माफ़ी भी मांगी, कई मौलाना बहुत लोग आ गए जो हमारे जान पहचान के भी आए, मीडिएट किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मीडिएट किया, खाना पीना भी बहुत लाए क्योंकि इन लोगों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो होते हैं एक इंसान वहाँ पर 24 घंटा रहेगा, हमारा एक गरीबों का अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना हमारे पास प्रोविजन हम लोगों ने जुटाया सरकार की मदद से और एक प्रोटोकॉल बना, उसमें टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता, फिर सारा कुछ हुआ, ये खुशी खुशी रहे, माफ़ी भी मांगा, थैंक्स भी दिया, आप ये सोचिए 21 दिन मिनिमम रहे, कहीं तो इससे ज़्यादा रहे जब तक नेगेटिव नहीं हो गए, 1.5 महीना लोग रहे पर कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, यही मैंने मीडिया में भी दिया कि हाँ कोई शिकायत नहीं है, ये माफ़ी मांग के अप्रिशिएट करके गए, हम लोग ने इनको थैंक्स दिया और इन्होंने हमें धन्यवाद दिया, हमारे कई लोग लिख के गए, हमारे ज़िंदगी भर का रिश्ता कई लोगों से जुड़ गया कि चलो ये यहाँ पे हमारे साथ इतने दिन रहे, फिर इस तरह की हरकत 70 दिन बाद, जबकि ये इनमें से एक आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए, ब्लैकमेल करते रहे हमेशा, ये कुछ ना कुछ कहते रहे, इन्होंने मेंशन भी किया था कि आपका कोई वीडियो है, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कोई काम किया है नहीं, कौन सा वीडियो है, जो मर्जी करें, किसी प्रेशर में हम नहीं आए और ऐसा सवाल ही नहीं है, मैंने कहा ऐसा क्या है, तो इन्होंने 70 दिन बाद एक पुरानी बात को लेके जो सॉल्व हो गई, जो 2 दिन के अंदर रिश्ते बन गए, बीच में और कुछ लोग आए वो भी ऐसे किए थे नए लोग, उनको पुराने लोगों ने कंट्रोल कर लिया, वो भी बात खत्म हो गई। ब्लैकमेल किस बात को लेके करते हैं? ये सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल हैं, यहाँ पद में है तो हम इनको कोई बहुत कुछ ठेका दे दें, हम इनको वो दे दें, कोई ओब्लाइज कर दें ऐसा, पर इस गवर्नमेंट में इतनी ट्रांसपेरेंसी से सब काम होता है, सारे ट्रांजेक्शन इतने डिजिटल होते हैं, इस तरह हम लोग किसी को अप्लाई नहीं कर सकते, हमने हमेशा सीनियरिटी टैलेंट मेरिट को रेस्पेक्ट करके कोई भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स किए, संविदा पे लिए, हमारे डॉक्टर्स नॉन PGGR को लिए, हमने कितने पद खाली थे 300 से ज़्यादा पद हमने भरे हैं, तो ये इस तरह से करना ये बहुत गलत बात है और आपके थ्रू हम यही कहेंगे कि ये बहुत इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ हम कभी नहीं रहे, सब मुझे जानते हैं, मैं 38-40 साल से हूँ और इस तरह से एक फेक वीडियो सर्कुलेट करना
ये बहुत गलत है। और ऐसा कुछ नहीं है।